पंकज प्रजापति स्टूडियो की नई पेशकश। अब तुम ला जरा कियो मेरी मात पीड़ा पाली, अब तुम ला जरा कियो मेरी मात। अरे हंस पाहिनी कोई मनाऊं, हंस पाहिनी कोई मनाऊं, चरण कमल में शीश नवाऊं। जगत की रखवाली मैया लाज राखियो मेरी मात पीड़ा पाली, जननी लाज राखियो मेरी मात। हे माँ साहसशील हृदय में भर दो, साहसशील हृदय में भर दो, जीवन त्याग तपो में कर दो। विमल बुद्धि वाली मम्मी लाज राखियो मेरी मात पीड़ा पाली, मैया लाज राखियो मेरी मात। अरे सुनील चेतन दास तुम्हारो, सुनील चेतन दास तुम्हारो, तेरे बल पे साज समारो। श्वेत अंबर वाली मम्मी लाज राखियो मेरी मात पीड़ा पाली, मैया लाज राखिले मेरी मात। हाँ दोस्तों, आप लोगों के बीच में ये प्रोग्राम लेके आ रहा हूं कि हमारे भारत देश में कैसे कैसे बहादुर पैदा हुए, जो हजारों मुसीबतों का सामना किया लेकिन अपने सर को नहीं झुकाया। प्यारे भक्तों तो आ जाए, शायद ये कथा आप लोगों को प्रिय होगी। मेवाड़ राज के बीच भयो एक भूप पड़ो बलवान। कैसा है राजा? हे बसता एक भूपालू प्रजा खुशहाल सुनो सरदारी। महाराणा प्रताप है नाम रे के प्रिया प्राण सो प्यारी। याद रहे भक्तो, महाराणा प्रताप के आंगन में बहुत सुंदर रानी है। हाय हाय। प्राण की प्यारी
चंपा नाम की बेटी है और चंदन कुमार हजारी। चंपा नाम की बिटिया है और चंदन कुमार हजारी। याद रहे भक्तों, लेकिन एक बात और भी बता दूं, हे जो ना चुगल होते भारत में नहीं बेमतलब बढ़ती अदारी। गाई गाई। और भारत या जतीन नहीं हो तो जो सब देशन को है सरदारी। छारी खामी गारी प्यारी झूठ लगे रसधारी। याद रखना दोस्तों, महाराणा प्रताप मेवाड़ के मध्य में बड़े आनंद से रह रहे हैं। इनके आंगन में बहुत सुंदर रानी है, दो बच्चे हैं, चंपा नाम की बेटी है और चंदन नाम का पुत्र। बेटी की उम्र 7 वर्ष की है और जो चंदन बेटा है उसकी उम्र 5 वर्ष की है। प्यारे भक्तों, उस समय इंद्रप्रस्थ दिल्ली में महाराज अकबर का राज्य था, लेकिन अकबर ने सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया। जब ये खबर महाराणा प्रताप के पास में भेजी, लेकिन खुले शब्दों में कह दिया कि हम सर झुका नहीं सकते। उसी समय अकबर ने और मानसिंह से कहा कि ये महाराणा प्रताप तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जाके इनको समझा दो जो मेरी अधीनता को स्वीकार कर ले। प्यारे भक्तों, उसी समय ये मानसिंह चले हैं मेवाड़ की तरफ। भयो सुबह को भक्त सुनो, प्रिय भक्त मान सिंह राजा और चल दीनों में बालकों के करीबे पूरण काजा। याद रखना दोस्तों, मानसिंह जिस समय इंद्रप्रस्थ दिल्ली से मेवाड़ की तरफ चले, लेकिन सोचते जा रहे हैं कि मैं मना कर दूंगा अकबर से, तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों, अरे मन में अब भारी सोच रहे है, जिस समय ये मानसिंह मेवाड़ में पहुंचा, आरे दरबार में जाई मझारो,
बैठो जाए के भूपनिहारो जिस समय मानसिंह महाराणा प्रताप की सभा में पहुंचा, जिस समय महाराणा प्रताप ने मानसिंह को देखा क्या किया, आदया मत देखो मानसिंह को भेटे दोनों है भुजा पसारी काई काई। अरे कंठ लगाई लो है तो राजा ने और गति पे चलो बैठारी के कारण और पहली से आई गए मेवाड़ी। और बोले महाराणा प्रताप मानसिंह भैया, अरे मेरे बालापन को ने यार मुदत सिया ओए, हाय मेरे बालापन को ने महाराणा प्रताप ने छाती से लगा लिया और इतना ही कहा कि भैया बहुत दिनों बाद आए हो, बड़े सुंदर आसन पर बैठा लिया। काफी देर तक बातचीत चलती रही लेकिन महाराणा प्रताप समझ गए कि मानसिंह क्यों आया है। अपने पुत्र चंदन को इशारा किया कि ये मानसिंह आए हैं और जाके भोजन की तैयारी करो। दोस्तों जिस समय भोजन तैयार हो गया, मानसिंह भोजन करने के लिए महल में पहुंचे। भोजन की थाली जिस समय मानसिंह के सामने आई है, लेकिन महाराणा प्रताप छुप के खड़े हो गए। चंदन पास में खड़ा है। मानसिंह ने कहा कि बेटे जाके अपने पिता से कह दो जो मेरे साथ में भोजन करे। प्यारे भक्तों जब 5 वर्ष के पुत्र ने ये शब्द सुने तो अपने ओठों पर बात बना के कहने लगा, सुनो हे सिर में है भारी दर्द सुनो, महाराज न भोजन पाएंगे। चंदन ने कहा कि पिताजी के सर में दर्द हो रहा है, तुम करो अकेले ही भोजन, मेरे तात न खाना खाएंगे। समझो भक्तों 5 वर्ष के पुत्र ने क्या इशारा किया, पिताजी के सर में दर्द हो रहा है, आज उनका जी नहीं है, भोजन नहीं करेंगे। और बोला तुम करो अकेले अब भोजन, मेरे दांत न खाना खाएंगे, मेरे पिता न खाना खाएंगे, मेरे बबुल न खाना खाएंगे, मेरे पिता न खाना। जो ये शब्द सुने तो मानसिंह ने जवाब दिया, क्या कहा, अगर महाराणा प्रताप मेरे साथ भोजन नहीं करेंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्यारे भक्तों और बोले मानसिंह, तब मानसिंह उपाल पड़े जवाब दिया, हम दोनों बैठ के भोजन करेंगे। बहुत जल्दी जाओ अपने पिता को बुला के लाओ,
प्यारे भक्तों उसी समय वो चंदन चलाए, आंखों से उजल हो गया, लेकिन राणा प्रताप के पास नहीं पहुंचा, वो लौट आया और फिर ओठों पे बात बना के कहने लगा, सुनो जी वो बालक थोड़ी दूर गया, वापिस वो जल्दी आया है, वह दर्द बताते ही दिल में और मोय कहकर लौट आया है, करना अधिकार मुझे अब, मैं तो यहां से चलता हूं, अरे भोजन करना बेकार मुझे अब, मैं तो यहां से चलता हूं, जब बच्चे के ये शब्द सुने तो मान सिंह ने इतना ही कहा कि मेरा भोजन करना बेकार है, अब मैं यहां से चलता हूं। दोस्तों जिस समय ये मान सिंह उठ के खड़े हो गए, महाराणा प्रताप आगे बढ़े, दिमाग में एक बात आई कि ये मुझे सलाह देने के लिए आया है, अकबर ने पठाया है, अगर भूखा चला गया तो ये भी बात ठीक नहीं है। प्यारे भक्तों आगे बढ़े और महाराणा प्रताप ने मान सिंह से कहा कि भैया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल की बात तो मैं समझता हूँ। क्या समझते हो? तो बोले महाराणा प्रताप, मान सिंह कान खोल के सुनो, कुल की मान मर्याद मिटा करो और संबंध अपन से जोड़ लिया, तुम्हारे साथ बैठ के भोजन करूंगा, कभी नहीं करूंगा, एक गति के लालच में पढ़कर तूने धर्म सनातन तोड़ दिया, मान सिंह याद रखो तुमने जरा से गति के लालच में अपनी कन्या और अकबर को दे दी, तुमने अधीनता स्वीकार कर ली, मैं तो कभी नहीं करूंगा। प्यारे भक्तों और बोले भोजन खाना अब दूर रहा, मुख देखत पाप लगे भारी, मुख देखत जवाब दिया कि मान सिंह तुमने अपनी बेटी को दे दिया, तुमने अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन हम तो अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते, सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। दोस्तों जो ये शब्द सुने मान सिंह को क्रोध आ गया,
प्यारे भक्तों, उसी समय मानसिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप मेरी एक बात सुनो। अरे सुन प्रताप के बीन सुन को भैनीन क्रोध कियो भारो। अरे मेवाड़ नगर के बीच रे अपमान मेरो कर डालो। मैं तेरे दरवाजे पर आया है, मैं तो बहुत अच्छी सलाह देने के लिए आया, लेकिन तूने मेरी बेइज्जती कर दी। और बोले सिंह ने जवाब दिया कि मैं तो सलाह देने के लिए आया, लेकिन तूने अपने दरवाजे पर मेरा अपमान कर दिया। लेकिन याद रख, अब ईंट से ईंट बच जाएगी और तुझे अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। प्यारे भक्तों, और बोला है, अरे मेरो यहां पर अपमान भयो है। प्यारे भक्तों, चला है मानसिंह। अरे जे तो महल से निकल गयो है और जाए भारी सोच भयो है। किशन भैया, अरे झमके खून आज आखिर में पीरन ध्यान है बिसर नहीं जाए। अरे पाद साई सी जाके बोलो के जल्दी फौज करो तैयारी। जा तो कैसी भाई सिर पे भूत बैठी हो आई। प्यारे भक्तों, जिस समय वो मानसिंह चला है और सोचता चला जा रहा है कि बादशाह से जाके कह दूंगा कि जल्दी सेना तैयार कर लो। प्यारे भक्तों, भैया होनहार बलिपान कर मगति डारी नाई डरे। यारो होनी है बलिपान कर मगति डारी नाई डरे। इधर तो ये मानसिंह दिल्ली की तरफ चला गया और जाके महाराज अकबर से कह दिया कि महाराज सेना सजाओ, वो कि तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, इधर महाराणा प्रताप जब अपनी रानी के पास पहुंचे हैं, जब चेहरे को देखा, प्यारे भक्तों आंखों से आंसू निकल पड़े। अरे वो रोई गई प्राणन प्यारी, जब राजा की दशा निहारी,
जब महाराज की सूरत देखी है तो बड़ी व्याकुल हो गई और कहने लगी, महाराज क्या बात है जो चेहरे पर रौनक नहीं, क्या हुआ? प्यारे भक्तों कह रही पिया, कैसी तन की बिगड़ी रूहानी, सैया छाया ओ आखिर में पानी, बोलिए पिया काए कुम नहीं नहीं ये तैया, कैसे मन चेहरे पर रौनक नहीं है, जब आप महलों में आते थे तो ओठ पर मुस्कुराहट लेके आते थे, क्या चक्कर है? प्यारे भक्तों जो इतने शब्द सुने तो महाराणा प्रताप ने जवाब दिया कि देवी अकबर ने मानसिंह को मेरे पास भेजा है और कह दिया है कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, अगर अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो हमसे युद्ध करो। प्यारे भक्तों जब अपने पिया के ये शब्द सुने हैं तो महारानी घुटनों के बल बैठ गई, दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगी, महाराज अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं? बोलो क्या कहना चाहती हो? तो आंखों में आंसू लेके इतना ही कहा, पिया अरे मत ना अकबर से सैया हाय पैर रे बढ़ावो, को सरताज रे हे दिल्ली को सम्राट रे पेश नहीं राजा पाओ, महाराज बड़ा है भारी वो सुल्तान और जो नहीं मानो बात ना था मीटे नाम निशान, महाराज गहरी चोट चला पे वो तुम सर निकलो राजा से, काउदिन गहरी चोट लगा पे वो तुम सर निकलो अकबर से, काउदिन गहरी चोट लगा पे वो तुम मेल करो राजा से, काउदिन महाराज वो सम्राट दिल्ली का है, उसका राज बड़ा है, वो बड़ा राजा है, तुम्हारा तो ये बहुत छोटा राज है, तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। और बोलिए पिया
कहीं मानो तो अपनी चलियो मती, कहीं मानो तो अपनी चलियो मती, कहीं मानो खेरिए चलियो मती है चलियो मती राजा चलियो मती। कहीं मानो तो अपनी चलियो मती, कहीं मानो और बोली महाराज तुम्हारे पहिया पढ़ रही हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारी पेश नहीं जाएगी, मेरी बात मानो ना। आहा बोलिए नाथ तुम्हारी छोटी रियासत वो महाराज वे, तुम्हारी छोटी रियासत वो महाराज है, उनसे लड़ने में बिगड़ सभी काज है राजा। पहिया पढ़ रही हूँ, मेरी बात मानो ना, तुम्हारी पेश नहीं जाएगी पिया, क्यों पागल हो रहे हो? और बोलिए मेरी चूड़ी की सौगंध तुमको पिया, मेरी चूड़ी की सौगंध तुमको पिया, मेरा मत ना दुखाओ प्रीतम जिया, मेरा मत ना समर को तू जइयो मती, कहीं मानो तो अपनी चलियो मती। बड़े याद रखना दोस्तों, महारानी बार बार कह रही है कि नाथ मेरी बात मान जाओ, तुम्हारी पेश नहीं जाएगी। प्यारे भक्तों महाराणा प्रताप काफी देर तक बैठे बैठे अपनी प्राण प्यारी के शब्द सुनते रहे, अंत में सो गए। जब सुबह हुआ है तो अपने छोटे भैया शक्ति सिंह के साथ शिकार के लिए जंगल में पहुंचे। दोनों भाई शिकार की खोज में हैं। प्यारे भक्तों एक हिरन मिल गया। जब महाराणा प्रताप ने बाण मारा वो हिरन में जाके लगा, हिरन मर गया, लेकिन शक्ति सिंह आगे बढ़ा और शक्ति सिंह ने जवाब दिया कि भैया ये हिरन मेरे बाण से मरा है, ये शिकार मेरा है। महाराणा प्रताप ने कहा कि नहीं शक्ति सिंह ये मेरे बाण से मरा है, ये हिरन मेरा है। प्यारे भक्तों उस हिरन के पीछे दोनों आपस में लड़ने के लिए उद्यत हो गए। तब तक महाराणा प्रताप के कुल पुरोहित आ गए और उन्होंने दोनों का झगड़ा शांत किया, लेकिन बड़ा होने के नाते महाराणा प्रताप को भी हिरन दे दिया। ये शक्ति सिंह को बहुत बुरा लगा, दिमाग में एक बात आई कि आज हमारे भैया ने हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती की है, लेकिन इसका बदला कैसे लिया जाए, अंदाजा लगाओ ये भाई है। लेकिन एक बात और भी बता दूं, वो शक्ति सिंह सोच रहा है क्या, अरे इसने अपमान किया मेरा, इसने अपमान किया मेरा, इसका अपमान कराना है, इसका अपमान कराना है। Thank you.
वो शक्ति सिंह सोच रहे हैं कि जब भैया ने अपमान कर दिया तो इसका भी अपमान कराना है, अकबर से जाके क्यों ना मिलूं, क्या किया। वो चलाए दिल्ली की तरफ, लेकिन एक बात याद रहे, क्या, अरे भक्त पे मदद शत्रु दे दे तो दुश्मन नहीं है भाई है, और भाई की जान का ग्राहक बने वो भाई नहीं कसाई है, भैया भाई नहीं कसाई है। एक बात है ध्यान, शत्रु दे दे तो दुश्मन नहीं है भाई है, अरे भाई की जान जो ले ले पे भाई नहीं कसाई है, भैया भाई नहीं कसाई है। इधर ये शक्ति सिंह सोच रहा है कि अकबर से जाके क्यों न मिलूं, प्यारे भक्तों इधर मान सिंह ने जाके सारी कहानी बता दी। तब तक ये महाराणा प्रताप का छोटा भैया ये शक्ति सिंह जब दिल्ली में पहुंचा, ये भी जाके अकबर से मिल गया, ये भाई कहां रहा, ये तो कसाई बन गए। प्यारे भक्तों जब जाके कहा है, अकबर ने बड़ी सुंदर सेना सजाई, कैसी थी वो सेना देखिए एक झलक। हे सजे सूर सामंतु बड़े बनपति राधे मन में, कांधे पे धनुष और बाण रे कहते गाए आतन में, सुंदर सेना सजाई है लेकिन ऐसा ही नहीं, अरे अब सजी ऐसी ना भाई, अरे सीधा सजिया
जिस समय महाराज अकबर की सेना और मेवाड़ के रणक्षेत्र में पहुंची है, महाराणा प्रताप के पास में पत्र भेज दिया। महाराणा प्रताप ने अपनी बड़ी सुंदर सेना सजाई और जब रणक्षेत्र में पहुंचे हैं, फिर क्या था दोस्तों, याद रहे, हे मारे धारे नहीं प्रण किया।
इस समय आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं। जिस समय महाराणा प्रताप का वो चेतक घोड़ा थक गया तो झाला सिंह ने विचार किया कि महाराज मारे जाएंगे, आगे बढ़ा और महाराणा प्रताप का जो छत्र था वो अपने सर पर रख लिया। और जिस समय जवानों में पिला है और महाराणा प्रताप को इशारा दे दिया कि महाराज रण क्षेत्र से भाग जाओ, समय घमासान युद्ध हुआ है। झाला सिंह जो सरदार था वो समझ गया कि महाराज का चेतक घोड़ा थक गया, मारे जाएंगे। महाराज का छत्र उतार के अपने सर के ऊपर रख लिया और सेना में जाके युद्ध करने लगा। लेकिन महाराज महाराणा प्रताप को लेकर वो घोड़ा चला गया, लेकिन अकबर के चार सिपाही देख रहे थे, वो पीछे हो गए। जब चार सिपाही महाराणा प्रताप के पीछे चले हैं, जो भैया छोटा शक्ति सिंह था वो समझ गया कि मेरा भैया युद्ध से थक चुका है, ये चार सिपाही जा रहे हैं मेरे भाई को मार डालेंगे। दोस्तों पीछे घोड़े को दौड़ा दिया, चारों सिपाहियों का सर धड़ से उड़ा दिया। लेकिन इधर महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की पहाड़ियों में जाके पहुंचे, घोड़े को एक ब्रज के नीचे बांध दिया, बैठ के दम लेने लगे। इधर ये शक्ति सिंह जिस समय पहुंचा है उस उन पहाड़ों में तो आवाज देने लगा कि भैया तुम किधर हो, तुम्हारा छोटा भैया शक्ति सिंह तुम्हें बुला रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन प्यारे भक्तों चीख रहा है, भैया आवाज दो तुम कहां हो।
लेकिन कोई आवाज नहीं आई। प्यारे भक्तों, उसी समय शक्ति सिंह की बबकारी छूट गई, क्योंकि भाई का दर्द भाई जानता है। किशन भाई रो पड़ा, आरे भैया भैया के कीने या बाज ददन कोई, चीख रहा है भैया तुम्हारा छोटा भाई तुमसे मिलना चाहता है, आवाज दो भैया भैया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अरे भैया भैया के किने आवाज ददा लगोई, छोटे भैया की आवाज ने जब जेठनी सुन पाई, जब आवाज शक्ति सिंह की सुनी तो महाराणा प्रताप समझ गए कि मेरा छोटा भाई मेरी जान लेने के लिए आ गया। प्यारे भक्तों, भैया सुन भैया की आवाज भूप की लगी भर आई है, अब तो सुन भैया की आवाज भूप की लगी भर आई है, आवाज दे रहे। जब चीख रहे हैं भैया भैया कह के आवाज दी तो महाराणा प्रताप ने आवाज जब सुनी है तो खड़े हो गए और कहा कि शक्ति सिंह छोटे भाई मैं इधर हूं। जब ये घोड़े को लेकर थोड़ी दूर पर पहुंचा लेकिन खड़ा हो गया, महाराणा प्रताप ने जब छोटे भाई के चेहरे को देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। काफी देर तक रोते रहे लेकिन शक्ति सिंह के भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। महाराणा प्रताप ने इतना ही कहा कि भैया शक्ति सिंह मैं यवन के हाथों से नहीं मारा जाऊंगा, मुसलमानों के हाथों से नहीं मारा जाऊंगा, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अपनी तलवार उठाओ चलाओ मेरी गर्दन पर। भाई मैं ये नहीं समझता था कि आप इतने बड़े मेरे दुश्मन बनेंगे। प्यारे भक्तों, काफी देर तक दोनों खड़े खड़े रोते रहे, अंत में ये शक्ति सिंह आगे बढ़ा और आगे बढ़ा है तो बड़े भैया से इतना ही कहा कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं समझ नहीं पाया, मेरे से बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हो सकता, जो भाई नहीं हो ये कसाई है। प्यारे भक्तों, महाराणा प्रताप ने छोटे भैया को कलेजे से लगा लिया तो शक्ति सिंह ने आंखों में आंसू लेके इतना ही कहा कि भैया क्यों इतना दिल कमजोर कर रहे हो, और बोला है कि भैया अरे काए को भाओ कमगीन यो भैया, काए को भाओ कमगीन यो भैया, भैया क्षमा कर दो मुझे, मेरे जितना भागा कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, जो मैं अपने भाई का दुश्मन बन गया। ओ भैया पाओ कम की नयो भैया, काए को पाओ कम की नयो भैया,
कसाई हूँ। जब मैंने अपने भैया का दुश्मन बन के भैया के दुश्मन से मुलाकात की, क्षमा कर दो भैया। अरे भाई नहीं मैं दुश्मन तेरो, अरे भाई नहीं मैं दुश्मन तेरो, मैं निकलो मत कोई नयो भैया, काय को भोग मगी नयो भैया। प्यारे भक्तों, दोनों भैया रो रहे, अरे सुन के बातें छोड़ दे भैया की, अरे सुनील चेतन ने छोटो भैया हाय छाती से जलो है लगाई। प्रजापति स्टूडियो की नई पेशकश। दोनों भाई काफी देर तक बैठे बैठे रोते रहे, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता वो क्या दृश्य था। लेकिन भक्तों, इधर जो महाराज महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो झटपट आने लगा। महाराज की जब नजर चेतक घोड़े के ऊपर पड़ी तो समझ गए कि शायद इसको प्यास लगी है, इसको पानी पिला दूं। प्यारे भक्तों, आगे बढ़े और आगे बढ़ के महाराणा प्रताप ने घोड़े के चेहरे को चूमा और इतना ही कहा कि भैया मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी मुसीबत थी, लेकिन ये दिन तो मैं भी देखने के लिए मिल गया। भाई मैं मजबूर हूं, सवेरे से तुम्हें पानी भी नहीं मिला, चलो मैं तुम्हारे लिए सिंधु नदी से जल लेकर आता हूं। प्यारे भक्तों, लेकिन अरावली पर्वत की पहाड़ियों में कोई पात्र भी नहीं था जो महाराणा प्रताप जल ले आते, पानी लेने के लिए चले हैं। पानी लेने महाराज चले,
सिंधु नदी पर आए तब तक चेतक नहीं ओ भैया अपनी प्राण गवाए। याद रहे भक्तो महाराज सिंधु नदी पर जल लेने के लिए आए लेकिन कोई पात्र भी नहीं है। महाराज ने अपने सर से पगड़ी उतारी जल में भिगोया। पगड़ी को भिगोकर जिस समय चले हैं तब तक चेतक ने अपने प्राण गंवा दिए। बारे वक्त बारी मुसीबत चले अरे सिंधु नदी पर आए तब तक चेतक नहीं ओ भैया अपने प्राण गमाए। भक्तो पगड़ी भिगो कर ले आए बोले ही तुम मेरे मिजी लो अरे पास आई बोले राजा मेरे मित्र जरा पानी पी लो। अरे पास आए बोले राजा मेरे मित्र जरा पानी पी लो मेरे भैया तुम पानी पी लो मेरे मित्र जरा। याद रखना भक्तो महाराणा प्रताप जिस समय पगड़ी को भिगोकर चेतक के पास में आए लेकिन नहीं पता है कि दुनिया छोड़ के चला गए। कहा कि भैया उठो थोड़ा सा पानी पी लो लेकिन प्राण निकल चुके थे। महाराणा प्रताप ने जब आगे बढ़ के देखा आंखें फटी की फटी रह गई। प्यारे भक्तों समझ गए कि मेरा ये मित्र चेतक दुनिया छोड़ के चला गया धोखा दे गया। प्यारे भक्तों मुंह पे मुंह रख के फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे भैया तेरे बिना दुनिया में मेरा कोई नहीं मुझे छोड़ के चले गए। और कह रहे हैं भैया चेतक था तन से भी प्यारा छोड़ मुझको कहां पर सिधारा चेतक था चेतक था चेतक था भैया तेरे बिन कैसे रहूंगा अपने दुख की मैं किससे भैया तेरे बिन आ
खेन कोई सहारा, छोड़ मुझको कहां पर सिधारा, चेतक उठा से मेरे भैया, मेरी छोड़ी मेरा योजना है संसार सारा, छोड़ मुझको कहां पर सिधारा, चेतक उठा काफी देर तक रोते रहे भक्तों, लेकिन शक्ति सिंह आगे बढ़े और कहने लगे भैया रो नहीं, शायद तुम्हें यह अच्छी तरह से पता होगा कि जो जन्म लेकर दुनिया में आता है उसे दुनिया छोड़ के एक दिन जाना ही पड़ता है। भैया रो नहीं, इसने तुम्हारी बहुत मदद की, इसका दाह संस्कार कर दो। प्यारे भक्तों, दोनों भाइयों ने उस चेतक घोड़े का दाह संस्कार किया है। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से कहा कि भैया ये मेरे पास में जो अंगोरा नाम का घोड़ा है ये मैं तुम्हें देता हूं, और मैं अब अकबर की सेना में जाके तुम्हारी मदद करूंगा। दे धाड़ करो, निसंकोच रहो। प्यारे भक्तों, उसी समय ये शक्ति सिंह अकबर की सेना में चला है। इधर महाराणा प्रताप की पत्नी, उसको पता चला है कि हमारे महाराज पहाड़ों में पहुंच गए। दोनों बच्चों को लेकर के पहाड़ों में पहुंची, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि देवी तुम क्यों आ गई, हम तो मुसीबतों का सामना कर ही रहे थे, लेकिन तुम क्यों मुसीबतों का सामना कर रही हो, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तो महारानी ने इतना ही कहा कि पिया क्या कह रहे हैं आप, इफ इंटरवल हर हस्बैंड वाइफ इज दी बेस्ट फ्रेंड, पति की मुसीबत में पत्नी मित्र होती है। महाराज मैं तुम्हारे साथ रह करके अपना जीवन व्यतीत करूंगी, अगर मैं ऐसा आराम से जीवित रहूं, जीवन व्यतीत करूं और आप मुसीबतों का सामना करें तो ये अच्छा नहीं लगता। प्यारे भक्तों, उसी समय ये महारानी अपने पुत्रों के साथ में पहाड़ों में रहने लगी, ये महाराणा प्रताप अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए जंगल में निकल के गए, लेकिन दोनों बच्चे रोने लगे और कहने लगे मां मात हम भूखे हैं, मात हम भूखे हैं, हमको रोटी दे दे मैया, मात हम भूखे ही हमको रोटी दे दे मैया, मात हम दोस्तों याद रहे हमारे भक्त दोनों पुत्र रो रहे, चंपा बेटी चंदन बेटा, मां भूख लगी हमें भोजन दे दो, मात हम भूखे ही हमको रोटी दे दे मैया, मात हम दो दिन सी मोई, अरे दो दिन सी नहीं रोटी खाई, दो दिन सी नहीं रोटी खाई, मेरे
मेरो हृदय न हो घबराई, मेरो हृदय न हो घबराई, प्राण सब दुखे ही हमको रोटी दे दे मैया, प्राण अब दुखे ही हमको रोटी दे दे मैया, प्राण अब मात हम भूखे ही हमको रोटी दे दे मैया, मात हम सुन के मात गई घबराई। प्यारे भक्तों, जब बच्चों के ये शब्द सुने हैं तो माँ बड़ी व्याकुल हो गई। अरे सुन के मात गई घबराई, बेटा लीने कंठ लगाई, बेटा ली ने कंठ लगाई, ओठ दो सूखे ही हमको रोटी दे दे मैया, ओठ दो मात हम भूखे ही हमको रोटी दे दे मैया, मात हम प्यारे भक्तों, दोनों बच्चे रो रहे, बार बार कह रहे कि माँ हमें भूख लगी, भोजन दे दो, अब रहा नहीं जा रहा। प्यारे भक्तों, जब बच्चों का ये रुदन सुना है, महारानी आगे बढ़ी, क्या किया? घास कूट कर रानी ने तब रोटी मित्र बनाई है, और जल की खातिर महारानी अब सिंधु नदी पर आई है, प्यारे भक्तों, जब बच्चों को रोते हुए देखा तो महारानी ने घास को कूट के रोटी बनाई, रोटी तैयार की, और जल लेने के लिए सिंधु नदी की तरफ चली है। लेकिन प्यारे भक्त, जब वक्त धोखा देता है ठिकाना नहीं लगता। किशन भैया, दो बेटा बैठे रोए रहे होनी कैसी मड़ रोई है, ले गई पिलैया है रोटी, अरे मात लौट नहीं पाई है, दोनों बच्चे बैठे बैठे रो रहे। लेकिन तब तक बिल्ली आ गई, घास की रोटियां ले गई। बारे भक्त, तो बेटा बैठे रोए रहे होली कैसी मड़ रही है, ले गई पिलैया हाय रोटी वो मात लौट नहीं पाई है, याद रहे विपतिया सब पे एक दिन आपे की चाहिए, एक घड़ी को आपे मुसीबत सब पे एक दिन आपे की चाहिए, एक घड़ी को आपे भाबई, घड़ी को आबे
हाँ दोस्तों, जिस समय महारानी लौट कर आई है, बच्चों से पूछा रोटियां कहाँ गई, तो चंपा और चंदन ने आंखों में आंसू लेके कह दिया, मां बिल्ली ले गई। मां दोनों कलेजे के टुकड़ों को छाती से लगा के फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, लाल अब मैं क्या करूं। इधर भक्तों, महाराणा प्रताप सिंह लौट कर जंगल से आए, लेकिन भोजन कहीं नहीं मिला। जब बच्चों के पास पहुंचे, दोनों कलेजे के टुकड़ों को छाती से लगा लिया, फूट फूट कर ढोने लगे। महारानी ने कहा कि महाराज, बच्चे दोनों भूखे, समझ गए कि अब ये हमारे बच्चे बड़े व्याकुल हैं भूख से, लेकिन ये मुसीबत सह नहीं पाएंगे। प्यारे भक्तों, तो आंखों में आंसू लेके महाराणा प्रताप ने इतना ही कहा अपने दोनों बच्चों से, लाल धीर बेटा धारो, अब मिशन करूं अकबर से। धीर बेटा धारो, अब मिशन करूं अकबर से। धीर पत्थर को दिल लाल पिघल गयो, पत्थर को दिल लाल पिघल गयो। दुख देखी त्यारो, दुख देखी त्यारो, अब मिशन करूं राजा से। धीर बेटा धारो, अब मिशन करूं अकबर से। खेरे लाल, अरे पत्थर को दिल आज पिघल गयो, पत्थर को दिल आज पिघल गयो। मति को मारो, अब मिशन करूं राजा से। धीर बेटा धारो, अब मिशन करूं अकबर से। और कह रहे लाल, अरे धर्म की खातिर कष्ट उठाए, धर्म की खातिर कष्ट उठाए, मैं पापी हत्यारो, अब मिशन करूं राजा से। धीर बेटा धारो, अब मैं मेल करूं अकबर से। महाराणा प्रताप ने इतना ही कहा कि लाल धैर्य करो, अब मैं अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लूंगा। प्यारे भक्तों, उसी समय महाराणा प्रताप ने अकबर के लिए एक पत्र लिखा। क्या लिखा पत्र में?
गति सुनिए यो बलधारी। अरे पत्थर को दिल पिघल गयो, सब पिघल गयो, अरे पिघल गयो। और बागी दूर तसली सारी, अरे भूख से बेटा तड़फ रहे, दो तड़फ रहे मेरे तड़फ रहे। और है रो दुख हृदय तुम्हारी। याद रहे भक्तों, महाराणा प्रताप ने पत्र लिख करके अकबर की सभा में भेजा। जब अकबर ने वो पत्र पढ़ा है तो सभी राजा जो बैठे हुए थे उनके सामने कहा कि महाराणा प्रताप ने हमारी अधीनता को स्वीकार कर लिया। प्यारे भक्तों, सभी राजपूत राजाओं को बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक राजा बैठा हुआ था वो सोचने लगा कि एक महाराणा प्रताप ही शेष रहे हैं जो जिन्होंने अधीनता को स्वीकार नहीं किया, सर नहीं झुकाया। उसी समय कहने लगा, महाराज ये किसी और का पत्र है, ये महाराणा प्रताप का पत्र नहीं है, ये किसी ने असली पत्र नहीं भेजा है, किसी ने तुम्हें गुमराह किया है। प्यारे भक्तों, जब ये शब्द सुने हैं और वही राजा सभा से निकलकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचा और कहने लगा, राजन, सभी राजा झुक गए लेकिन आप ही राजपूतों की शान हो, तुम्हारा नाम है और आप क्यों झुक रहे हैं। प्यारे भक्तों, जब ये शब्द सुने हैं उस राजा के, तो महाराणा प्रताप दोबारा फिर सावधान हो गए। प्रताप सिंह, प्यारे भक्तों, चट्टान की तरह से मजबूत हो गए और कहने लगे, अब नहीं झुकूंगा। लेकिन दिमाग में एक बात आई, क्या? अरे मैं बाल जीत नहीं पाऊं, प्रदीप महाराणा प्रताप सोच रहे हैं कि मेवाड़ को अब जीत नहीं सकता। अरे अब मेवाड़ जीत नहीं पाऊं और थाली में न भोजन पाऊं, और धरती पे आसन को लगाऊं, महाराणा प्रताप समझ गए कि मेवाड़ शहर को जीत नहीं सकता, ना ही थाली में भोजन कर सकता हूं, धरती पर आसन लगाना पड़ेगा, बिस्तर मिलेगा नहीं। प्यारे भक्तों, मजबूत हो गए। इधर एक दिन का जिक्र है कि महाराणा प्रताप से महारानी ने कहा कि नाथ, चेहरे पर रौनक नहीं रहती, बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हो। पिया, बच्चे दोनों भूखे रहते हैं, कैसे गुजर होगी? जब भूख से व्याकुल हो जाते हैं तो मैं घास की रोटियां बना के दे देती हूं,
लेकिन घास की रोटियों से भूख नहीं मिटती नाथ। प्यारे भक्तों, जब ये शब्द सुने तो महाराणा प्रताप ने अपनी प्राण प्रिय का हाथ अपने हाथ में ले लिया और आंखों में आंसू लेके इतना ही बोले कि देवी सुने जब बिन प्यारी के, सुने जब बिन प्यारी के आंसू आंखों में आए हैं, सुने जब बिन दुल्हिनी के आंसू आंखों में आए हैं, सुने जब बिन दुल्हिनी के आश्रया खों में आए हैं, तड़प कर आज भूपति ने बचन ऐसे सुनाए हैं, बोले हैं देवी स्वतंत्रता के दीपानों की बिछोना मान धरती है, बिछोना मान धरती है, ये पत्थर ही तो मिल प्यारी आज सीने लगाए, सुने जब बिन प्यारी के बचन ऐसे सुनाए ही, और बोले धर्म की खातिर छोड़ अब सुख दिया सारा, छोड़ अब सुख दिया सारा, भूख से लाल दो व्याकुल अरे छाती लगाए ही, सुने जब बिन प्यारी के बचन ऐसे सुनाए ही, सुने जब बिन दुल्हन के बचन ऐसे सुनाए ही, तड़प कर आज भूपति ने बचन ऐसे सुनाए ही, तड़प कर प्यारे भक्त। काफी देर तक महाराज प्रताप रोते रहे, काफी देर हो गई, अंत में कहा कि प्रिय मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं, बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करके लाना है, क्योंकि दोनों बच्चे भूखे हैं। प्यारे भक्तों, महाराणा प्रताप जंगल में भोजन के लिए चले गए और इधर ये महारानी सिंधु नदी में जल लेने के लिए गई। उसी समय 5 वर्ष के चंदन ने बहन चंपा से कहा कि दीदी हमें भूख लगी, और बोला है दीदी पिरन तेरो भूखो है, भ्रात तेरो भूखो है, बिना रोटी दे दे हमको, पिरन तेरो भूखो है, भ्रात तेरो भूखो है, दीदी रोटी दे दे मुझको, पिरन तेरो भूखो है,
अरे दो दिन से नए रोटी खाई, मेरो बदन गयो है कुमिलाई। दो दिन से नए रोटी खाई, मेरो बदन गयो है कुमिलाई। कंठ मेरो सूखो है बिना रोटी दे दे हमको, फिरन तेरो भूखो है दीदी रोटी दे दे मुझको, भ्रात तेरो दीदी चप्पा। अरे कोमल हृदय आज मुरझायो, कोमल हृदय आज मुरझायो, भूखन पहना हमें सतायो, भूखन पहना हमें सतायो, हृदय मेरो तू खोए मोको रोटी दे दे बिना ब्रात तेरो भूखोए। ए बिरन तेरो भूखोए बिना रोटी दे दे हमको, बिरन तेरो भक्तों इस तरह से रो रहे हैं। उसी समय बहन चंपा ने जो अपना भी भाग था रोटी का वो भी अपने भैया को खिला दिया। लेकिन प्यारे भक्तों घास की रोटियां स्वयं नहीं खाती है वो चंपा, और भाई चंदन को खिलाती रहती। प्यारे भक्तों धीरे धीरे 15 दिन व्यतीत हो गए, चंपा का शरीर बहुत कमजोर हो गया। जिसकी 7 वर्ष की उम्र थी अपने छोटे भैया चंदन को ये भोजन कराती रही। 15 दिन बाद हालत खराब हो गई। एक दिन का जिक्र है कि महाराणा प्रताप जंगल में भोजन की तलाश में निकल गए और इधर महारानी सिंधु नदी में जल लेने के लिए गई। लेकिन चंपा की क्या हालत हुई बता दूं। अरे कुछ सांसें बाकी रह गई चंपा धरनी पर आई, अरे कछु सांसें बाकी रह गई चंपा धरती पर आई। धरनी पे आई, अरे कछु सांसें बाकी रह गई चंपा धरनी पर आई। प्यारे भक्तों अरे लखी भ्रात ने पहना प्यारी, लखी भ्रात ने पहना प्यारी, रो रो करत बगिरायु चारी, रो रो करत बगिरायु चारी, जीवन की नैया डूब गई चंपा धरती पर आई। अरे कछु सांसें बाकी रह गई चंपा धरती पर आई।
दुनिया छोड़ के चली गई वो चंपा। अरे बहन बहन वो भ्रात पुकारे, बहन बहन वो भ्रात पुकारे, दिल में जरा न धीरज धारे, दिल में जरा न धीरज धारे, बहना की नारी छूट गई चंपा धरनी पर आई, दीदी की नारी छूट चली चंपा धरनी पर आई, से बाकी रह गई रे चंपा धरनी पर आई, मेरे चंपा दुनिया को छोड़कर जब चली गई, महाराणा प्रताप जब जंगल से लौट कर आए, महारानी जब सिंध नदी से लौट कर आई, इधर ये 5 वर्ष का पुत्र चंदन अपनी बहन चंपा की लाश पर फूट फूट कर रो रहा है। जब राजा रानी दोनों पहुंचे, जब अपनी पुत्री को मरा हुआ देखा तो फूट फूट कर रोने लगे। प्यारे भक्तों कह रहे, अरे भाव पिधाता पाम छीन लई दुहिता सुकुमारी, और कैसी धीरज धरी विपत्ति पाई स्वरण डारी। दोस्तों रो रहे हैं, अरे भाव पिधाता पम छीन लई दुहिता सुकुमारी, और कैसी धीरज धरी विपत्ति पाई स्वरण डारी, अरे लाडली अपना जीऊंगा और सिंधु नदी में जाए प्राण में अपने दे दूंगा, अपने दे दूंगा के बेटी अब नहीं जीऊंगा रे कलाड़ो, अब नहीं जीऊंगा सिंधु नदी में जाए प्राण मैं अपने खो दूंगा, याद रहे भक्तों। राजा रानी पूरी तरह से रो रही हैं, महाराणा प्रताप ने अपनी बेटी चंपा का दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार करने के बाद पुत्री के गम में बड़े व्याकुल हैं। लेकिन एक बात और भी बता दूं प्यारे भक्तों, इधर तो महाराणा प्रताप मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और इधर ये शक्ति सिंह जब अकबर की सेना में पहुंचा, थोड़े दिनों तक रहा, जब अकबर को पता चला है कि अपना घोड़ा अपने भाई को दे आया, तो शक्ति सिंह से अकबर ने पूछा कि घोड़ा कहाँ है। शक्ति सिंह ने कहा कि महाराज घोड़े को मैंने छोड़ दिया, समझ गए कि मेरे पास रह रहा है, भैया की मदद कर रहा है। प्यारे भक्तों उसी समय अकबर ने शक्ति सिंह को फौरन मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। जब ये खबर महाराणा प्रताप को मिली है तो अब तो और शोक संग में डूब गए, कहने लगे भाई का बदला कैसे लिया जाए, बड़े बेचैन हैं। लेकिन भक्तों
मेवाड़ में एक भामा साय नाम के सेठ रहते थे। महाराणा प्रताप के पास में अब इतनी दौलत नहीं जो सेना को तैयार कर लें, क्या करें प्यारे भक्तों? भामा साय सेठ दौलत लेके जिस समय महाराणा प्रताप के पास पहुंचे भेंट करने के लिए, तो उसी समय महाराणा प्रताप ने कहा कि भैया ये दौलत मुझे नहीं चाहिए। बोले हैं सोनो सेठ धर ध्यान न लूंगा तान आज में तुमसे, मेरो घट जावे अपमान रे झोले में दान है तुमसे। अगर मैं तुमसे दौलत लूंगा तो मेरा अपमान चला जाएगा। बड़े बहादुर बड़े गैरत के पुतले, मेरो घट जावे अपमान रे झोले में दान है तुमसे। हे भाई प्रभु की नजर नहीं कछु यार, सुनो तुम मुझसे, सुनो तुम मुझसे, सुनो अब मुझसे। तुम वापिस घर को जाइयो रे नहीं लेव दाना हम तुमसे, तुम वापिस घर को जाबो रे नहीं लेव दाना है तुमसे। बेड़े महाराणा प्रताप ने कहा कि अगर हम तुमसे दान लेते हैं दौलत लेते हैं तो मेरा अपमान हो जाएगा, इसलिए तुम चले जाओ। और बोले हैं अरे तुम मत मोकू शर्माबो, और नहीं दौलत भेंट कराबो। और तुम घर पे वापिस जाबो 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 हाय गजब भो जाबो। अरे मत ना तुम फिल्म लगाबो, अरे बिपत 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 पहलू हर तगा दे जाए। अरे बिपत में तू करना देदार सब बिपत में भैया रे पीठ दे जाए। पिता थोड़े ही दिन की पातरिया अरे काटी सी कट जाएगी विपतिया, थोड़े ही दिन की पातरिया अरे काटी सी कट जाएगी विपता। अरे काटी सी कट जाएगी प्रदीप पाट से बट जाएगी जब मुसीबत, थोड़े ही दिन की याद रहे भक्तों। महाराणा प्रताप ने कहा कि हम तुमसे दौलत नहीं लेंगे। भामा साय कहने लगे क्यों ठुकरा रहे हो? बोले हैं सुन लो में बाल नरेश प्रजा पालन हारे, प्रजा पालन हारे सुन लो में बाल नरेश प्रजा पालन हारे। कह रहे सुन लो में बाल नरेश
प्रजा पालन हारे सुन लो में बाल नरेश और बोले बामा साहेब राजन मातृभूमि के लिए आज है तुमने कियो बलिदान मातृभूमि के लिए आज है तुमने कियो बलिदान आज भी वन में भटक रहे हो पाकर कष्ट महान पाए दुख तुम भारे सुन लो मे बाल नरेश प्रजा पालन हारे सुन लो मे बाल नरेश प्रजा पालन हारे सुन लो मे बाल नरेश प्रजा पालन हारे सुन लो मे बाल नरेश खुले शब्दों में कहा गया महाराज धर्म पर चल रहे हो तुमने इस राज के लिए कितने कष्ट झेले लेकिन आप मेरी दौलत ले लो प्यारे भक्तों जब विनय किया तो महाराणा प्रताप ने दौलत ले ली दौलत लेने के बाद में महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना सजाई और सेना सजाने के बाद सेना तैयार करने के बाद प्यारे भक्तों अकबर के पास पत्र भेज दिया जब अकबर की सेना लड़ने के लिए रणक्षेत्र में आ गई महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर पहुंच गए घमासान युद्ध हुआ ऐसा ही नहीं भक्तों महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को परास्त कर दिया दिल्ली की सेना जब भागने लगी जो आई रही सेना उस रण में जब ये वापिस फौरन करवाई है अरे अकबर के समूह जाकर के वो डटो पीर बलिदाई है जब रणक्षेत्र में दोनों पक्ष के बहादुर भिड़ गए सेना विशाल थी अकबर की ना पेश किसी की जाती है थोड़ी सी सेना राड़ा की रण में आई मारी जाती है प्यारे भक्तों अकबर की बहुत बड़ी सेना राड़ा प्रताप की बहुत छोटी सेना सारी सेना मारी गई फिर क्या था तीने प्राण कमाई है प्यारे भक्तों महाराणा प्रताप उस रण में मारे गए अकबर की सेना बहुत थी जब पेश नहीं गई सारी सेना मारी गई अंत में महाराणा प्रताप भी मारे गए जब महारानी को पता चला है अपने बेटे चंदन को लेकर रणक्षेत्र में अकबर के सामने लड़ने के लिए पहुंच गई और बोली सो पिता है कर में पहुंचेगा
रही दिल्ली पति को आकर तुम लड़ो लड़ाई है। ललकार रही दिल्ली पति को तुम हमसे लड़ो लड़ाई है, तुम हमसे लड़ो प्यारे भक्तो। बार बार कह रही है कि हमारे महाराज को तुमने मौत की गोद में सुला दिया, हम तुमसे लड़ने के लिए आ गए, भुजाओं में ताकत है तो रण क्षेत्र में आगे बढ़ो प्यारे भक्तों। और बोली मैं जीवित तुझको नहीं छोड़ू, अब मौत तेरी जायारी है। बारल में रानी ओ भैया हाई क्रोध रही दिखलाई है। प्यारे भक्तों जब ये शब्द सुने महारानी के तो महाराज अकबर ने कहा कि हम नारियों से युद्ध नहीं करते, लेकिन हम आपसे बस इतनी बेने कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप तुम मारे गए, तुम मेवाड़ को चली जाओ और जाके मेवाड़ का राज अपने हाथों में संभालो, जब तुम्हारा बेटा ये जवान हो जाए तो राजा बन जाएगा। प्यारे भक्तों अकबर अपनी सेना को लेकर मेवाड़ से तेहली की तरफ चला गया। इधर ये महारानी अपने पुत्र चंदन को लेकर जिस समय मेवाड़ की तरफ चली है प्यारे भक्तों, वो शासन अपने हाथों में ले लिया। लेकिन इधर देखिए सुंदर ढोलक जा रहो है बजाई, प्यारी सूरत मेरे बेटा की के प्यारो लागत जा सीसी हमारी। सुंदर सूरत मेरे बेटा की जाप सुनील भाव है पलिहारी। आरे श्री कृष्ण बैठो है सभा में सुंदर घड़ा जा रहो है बजाई, आरे जेठो भैया है सभा में बैठो बैठो मन रे मन मुस्क्याई। आरे बली सुबेदा है बैठो सभा में सुंदर मजीरा जलो है बजाई, अरे कोला चेहरा के मेरे बेटा को मुस्की जाती है कले जो खाई। अरे कोला चेहरा है बिरन मेरे को जाप सुनील भाव है बलिहारी। अरे मनोज बेटा है अमरनपुर को बैठो छोटी जानो है चलाई, अरे सुंदर चेहरा लला मेरे को जुल फिर ही जाता बेटा खाई। आरे सज्जे सुभैया सभा में बैठो पर दो ध्यान है पिसर नहीं जाई, आरे अनुज भ्राट मेरो महफिल में बैठो अरे देखो बिरल जागो सुसियाई।
मुहब्बतो प्यारो कहे वरनपुर क्यारी। अरे पूज गुरु सुरजन चेतन है आला सम्राट जे रहे कहलाई। अरे जिला फिरोजा बात है मेरो थाना ये का मिल दो है बताई। और पोस्ट झाल गोपालपुर मेरो तहसील जसराना मिल गई है बताई। पिया घर जाबेगी चिट्ठिया गोनी की आबेगी। पिया घर जाबेगी चिट्ठिया गोनी की आबेगी। पिया घर सजन घर जाबेगी चिट्ठिया कोने की आबेगी। पिया घर जाबेगी चिट्ठिया कोने की आबेगी। अरे केर मुहूर्त सजेगी टोली। केर मुहूर्त सजेगी टोली तब जाबेगी नारी अकेली। अरे तब जाबेगी नारी अकेली। तब घबराबेगी चिट्ठिया कोने की आबेगी। सजन घर जाबेगी चिट्ठिया कोने की आबेगी। पिया घर